How are you? Yeah. ओके तो आज तो पूरा जोश है बच्चों में पढ़ने का। दैट्स ग्रेट। चलिए जी, तो लास्ट दो क्लास की बात की थी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, देन वी टॉक्ड अबाउट मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट। ठीक है जी, सो टुडेज टॉपिक इज जीएसटी। क्या होता है भला जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सोचो, इस टैक्स के अलावा भी आपने कोई और टैक्सेस के बारे में कभी सुना है, अपने पेरेंट्स को बात करते हुए या न्यूज में या इधर या उधर, किन्हीं और टैक्सेस के बारे में? अच्छा, कौन से टैक्सेस के बारे में सुना है आपने? सबसे ज्यादा तो हमने इनकम टैक्स के बारे में ही सुना है ना, रोड टैक्स, और फिर आपके प्रॉपर्टी टैक्स, और फिर आपका इनकम टैक्स, पता नहीं कितने कितने टैक्स है ना, बहुत सारे टैक्स लगते हैं। अभी आप जब जैसे जाते हो कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने या कुछ, तो वहां पे कोई टैक्स लगता है? कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी सर्विस टैक्स लगता है वहां पर हमारा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वो लगाती है, और वही उस जो गवर्नमेंट है उसके लिए वही रेवेन्यू है, उसी से वो खर्चा चला रही है। जैसे रोड्स बनाना है या ये वो, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते में भी वो लाइक आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है ना। रोड टैक्स, आप जैसे कोई चीज बाय करते हो वहां पे रोड टैक्स आपको पहले ही देना पड़ता है। तो यही सारी इनकम के सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के लिए, यही से वो रेवेन्यू जनरेट करती है और वही खर्चा करती है चीजों को डेवलप करने के लिए। तो आज जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब आपको एक बात और भी पता होगी कि हमारी स्टेट में या हमारी यूटी में एक गवर्नमेंट अलग है और एक सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, ठीक है ना। अब जो आपका जैसे पंजाब स्टेट है, तो पंजाब स्टेट में आपके सीएम कौन है वाला? और जो हमारे पीएम है वो मोदी जी हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ टैक्सेस लेने पड़ते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे चलाने हैं तो उनको भी कुछ टैक्सेस लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो हम जीएसटी की बात करते हैं, ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, या कुछ? एक एक बच्चा आके से ना माइक के पास मुझे बताएगा। 8A में से गुरनीत कौर, 8A गुरनीत कौर, और जिसका नाम लो फटाफट आ जाया करो मैं माइक के पास, जल्दी से फटाफट आ जा बेटा, शाबाश, कम नहीं आता माइक। हाँ जी बताओ जी, जीएसटी के बारे में आपको क्या मालूम है कि ये कौन कलेक्ट करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा सारा टैक्स, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, या कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास? सेंट्रल सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा? चलिए ओके, कोई बात नहीं, आप बैठिए अपनी सीट पे। आप लोगों ने अगर सुना हो तो हमारे पास तीन चार तरह के जीएसटी हैं। एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, एक यूटीजीएसटी। जब हम एसजीएसटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जो पार्ट स्टेट को जाने वाला है वो है एसजीएसटी। तो एसजीएसटी जो है ये इंट्रा स्टेट लगाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट? मतलब अगर
पंजाब से पंजाब में ही कोई ट्रांजेक्शन हो रही है विद इन द स्टेट, वो है आपकी इंट्रा स्टेट, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी ट्रांजेक्शन सपोज पंजाब से हरियाणा में हो रही है, या पंजाब से राजस्थान में हो रही है, या राजस्थान से बिहार में हो रही है, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो गया, ठीक है जी। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो फिर वो है आपका इंटर स्टेट, दैट इज गिवन द नेम IGST। और CGST क्या है? ये है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रही है, तब हमें ये दो चीज कलेक्टिवली लगती हैं। लेट अस से किसी भी कमोडिटी पर, किसी भी सर्विस पर मेरा अगर GST 18% है, तो उसमें से 9% SGST है और 9% CGST है। मतलब जो 9% टैक्स कलेक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और बाकी का 9% कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है जी। लेकिन IGCST में सेंट्रल का कोई काम नहीं है, ये स्टेट्स का ही काम है। और ये बाइफर्केशन जनरली आपकी 50-50 रहती है। अगर सपोज 5% का टैक्स है तो 2.5% स्टेट को जाएगा, 2.5% सेंटर को जाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मालूम है स्टेट्स को भी एड्स देती है, अगर कुछ जरूरत पड़ जाती है, जैसे आपने सुना होगा कभी फ्लड्स आ गए कहीं पे, या साइक्लोन आ गया, या कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है जहां पे स्टेट को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, तो सेंट्रल उसको कुछ पैकेजेस देती है, सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है उनके कुछ एडिशनल खर्चे बियर करने के लिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि आप हमसे पैसा लो और अपना काम कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये जो हमारे पास GST है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि सेल टैक्स, जैसे हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? CPSP MP किसके बेस पे? CP सीपी के बेस पे। जब हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो किसको बेस मान के किया था? प्राइस। मार्केट को। अब हम अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाता है? SP, CP या MP? सीपी जीएसटी आपका लगाया जाता है सेलिंग प्राइस पर, जितने की सेल हुई उसका परसेंटेज है आपका जीएसटी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना कि अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात की तो ये किसके ऊपर लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा सीपी के ऊपर। अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो ये लगाया जाएगा प्राइस। प्राइस, और अगर हम बात कर रहे हैं जीएसटी की तो ये किस पे लगाया जाएगा? एसपी पर। तो आपको सीपी एमपी एसपी इन सब के रिलेशन मालूम है, प्रॉफिट लॉस के साथ एसपी का, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन तो वैसे ही होनी, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 18% का टैक्स है, सो 18% ऑफ SP। सेलिंग प्राइस अगर किसी चीज का 100 रुपए है, सो उस पे 18% के हिसाब से कितने रुपए का टैक्स लगेगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज, जीएसटी जो लगा रहे हैं वो 18% के हिसाब से लगा रहे हैं, तो कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ? 18 रुपीज, ठीक है। तो हमने क्या किया, 18% ऑफ SP, इस केस में SP हम 100 ही लेके चल रहे हैं, तो मेरे पास जो जीएसटी की कलेक्शन हुई वो उस आर्टिकल पर 18 रुपए की हो गई है। अब एक बात और बताओ बच्चों, क्या हर एक कमोडिटी पर या हर एक सर्विस पर जो जीएसटी है उसका रेट सेम है या डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं? डिफरेंट बिल्कुल।
किसी पे 5% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है. सो फॉर डिफरेंट कमोडिटीज वी हैव गॉट डिफरेंट स्लैब्स ऑफ जीएसटी. तो जिस पर जिस तरीके का टैक्स लगना है उसके अकॉर्डिंग ही हम वहां पर चलते हैं. तो ये तो बात हो गई हमारे पास कुछ थ्रेटिकल बातें जीएसटी के बारे में. लेकिन अब हमें एक बात पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी से तो चलता नहीं है ना. केमिस्ट्री बायो में थ्योरी बहुत ज्यादा आप पढ़ते हैं, फिर उसको आपने थोड़ा समझना है, थोड़ा याद करना है. मैथ्स में थ्योरी जैसा कुछ होता नहीं है, दो तीन चार बातें और उसके बाद क्वेश्चन. सॉरी हमें पता होना चाहिए कि हमने जो कुछ पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है और उस चीज की डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है. देखो जितना भी कुछ हमने अभी तक इन क्लासेस में पढ़ा, वो चाहे प्रॉफिट लॉस था, चाहे वो डिस्काउंट था, चाहे हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, ये आप थ्रू आउट लाइफ अपने देखते रहोगे आसपास ये चीजें हमारी यूज हो रही. जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट की बात की थी, इफ यू रिमेम्बर हमने कहा था कि एक गिफ्ट वाउचर है और कुछ डिस्काउंट परसेंटेज भी मिल रहा है, तो हमें कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल थी, कि हम पहले डिस्काउंट काट के फिर गिफ्ट वाउचर वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट करें कि पहले गिफ्ट वाउचर वाला हटा के फिर डिस्काउंट लें. याद है कुछ? मैम तो या बताओ मुझे, अगर याद है तो किया था हमारे पास, क्या करना था मुझे पहले मेरे बेनिफिट में, कंज्यूमर के बेनिफिट में क्या था? मेथड नंबर टू. व्हाट वाज मेथड नंबर टू? कि पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करो और फिर जो आपका गिफ्ट वाउचर है उसको रिडीम करो. ठीक है, तो ये हमने एक प्रैक्टिकल चीज सीखी कि कभी आपके पास ये सिचुएशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से प्रोसीड वहां पर करना है, आपके लिए क्या बेनिफिट में है. चलिए जी, नाउ लेट अस कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. असाइनमेंट मिल गई आप लोगों को? यस चलो जी निकालो फर्स्ट क्वेश्चन. देखो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. पहले तो ये बताओ दिल्ली टू जयपुर अगर हम जा रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी में से क्या एप्लीकेबल होगा? वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू, जी बिल्कुल दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, मतलब मेरा स्टेट चेंज हो गया. दिल्ली इट्स अ स्टेट, जयपुर कौन सी स्टेट में है बच्चों? राजस्थान तो मेरा स्टेट चेंज हो गया, फ्रॉम दिल्ली आई एम डूइंग द ट्रांजेक्शन टू जयपुर. और जब हम इंटर स्टेट करते हैं तो हमारे पास जो जीएसटी का फॉर्म है दैट इज आईजीएसटी, दैट इज आईजीएसटी. और मैंने क्या बताया कि आईजीएसटी में कोई बाइफर्केशन नहीं है कि सेंटर का इतना पार्ट और स्टेट का इतना पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है जी, तो आईजीएसटी का अगर 28% यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन में दे रखा है तो वो टोटल का टोटल किस में जाएगा? वो आईजीसीएसटी में जाएगा. ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है मुझे. एमआरपी दे रखा है, डिस्काउंट दिया है और जीएसटी दिया है. मेरे को कहा गया ये सारी चीजें जो यहाँ दे रखी हैं वो फिलअप करो. सबसे पहले हाउ मच डिस्काउंट, अगर एमआरपी 50,000 है, 20% का डिस्काउंट मुझे देना है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मुझे मिला बताओ जी? इन रूपीज हाउ मच इज द डिस्काउंट? मेरा एमआरपी है 50,000, फिर हमने उसके ऊपर डिस्काउंट लिया 20%. सो मेरे पास डिस्काउंट इन रुपीज क्या आ गया? हाँ जी, डिस्काउंट किसका परसेंटेज होता है बच्चों? एमआरपी का. सो मैम डिस्काउंट क्या होगा? 20% ऑफ 50,000, तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज इज द डिस्काउंट. अब मेरे पास एमआरपी पड़ा है, मेरे पास डिस्काउंट पड़ा है, तो क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ?
बता दो जरा फिर सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? अगर मेरे पास एमपी और डिस्काउंट दोनों हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला था हमने? एमपी माइनस, अब एमपी है मेरे पास 50,000, डिस्काउंट मेरा है 10,000, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 40,000। 40,000। तो पहले दो ब्लैंक स्पेसेस मुझे किससे फिल करने हैं? पहला ब्लैंक स्पेस डिस्काउंट का, सो आंसर फॉर दैट इज 10,000। सेकंड इज सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू, वो कितनी आ गई मेरे पास? 40,000। अब विल देयर बी एनी सीजीएसटी और एसजीएसटी? नो। तो इसके सामने आप क्या फिल कर देंगे? जीरो एंड जीरो। ना तो कोई सीजीएसटी लग रहा है एसजीएसटी और ना ही कोई एसजीएसटी लग रहा है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टैक्स है ना तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। अब मेरे पास क्या है? आईजीएसटी। और कितने परसेंट है आईजीएसटी? अब ये 28%, सोच के बताना, ये 50,000 का 28% या 40,000 का 28%? क्योंकि जो मैं जीएसटी कैलकुलेट करती हूँ वो मैं एमआरपी पे नहीं करती, वो जितना मेरा सेलिंग प्राइस है उस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो निकाल दो अब 28% ऑफ 40,000, हाउ मच डज इट कम्स आउट? I mean 11,200। 11,200। लेट अस सी, So 700। देखते हैं मुझे क्या करना है। मुझे जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए 28% ऑफ 40,000। 11,200। सो दिस इज माई जी एस टी, 11,200। तो आपको समझ में आता है? यहां से आपको ग्रेविटी समझ में आती है कि 40,000 की चीज लू तो उसपे 11,000 तो मुझे टैक्स ही देना पड़ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है? Yes। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लोग ना घपले बहुत करते हैं, ऐसे सुना कभी कि टैक्स पे नहीं? हाँ, अब बता सकते हो कि ऐसे कैसे होगा? चलो एक पैर पहले इसको कंप्लीट करते हैं, एक लास्ट रह गया यहाँ पर, अमाउंट ऑफ बिल। अब जरा अमाउंट ऑफ बिल की बात कर लेते हैं हम। अब मुझे बताओ कि मेरा बिल अमाउंट कितना होगा? व्हाट विल बी द बिल अमाउंट? बिल अमाउंट में क्या क्या आता है? बिल अमाउंट में आता है एक तो जो सेलिंग प्राइस है वो तो देना ही देना है, अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू ऐड जीएसटी इन टू। ठीक है जी, सब। एसपी कितना था मेरा? 40,000, और जीएसटी है 11,200। Is the amount that I need to pay? ये तो हो गया अमाउंट ऑफ बिल। अब हम कुछ बात कर रहे थे कि लोग टैक्स की चोरी करते हैं। बता सकते हो कैसे टैक्स की चोरी करते हैं? क्यों तो चलो सबको पता है करते हैं, कैसे करते होंगे? कोई आइडिया? मैम वो अपने पास ब्लैक मनी रखते हैं, जिनको वो बताते हैं कि गवर्नमेंट के पास हमारे पास ब्लैक मनी ये ब्लैक मनी क्या काले रंग की होती है? थोड़ा है। मैम सा नो ये ब्लैक मनी की टर्म कौन एक्सप्लेन करता है? देखो बहुत तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ ये बताएगा, ये बहुत इसको बहुत वो हो रहा है। ए फर्स्ट स्टूडेंट 8B। हाँ बोल बेटा, क्या होती है ब्लैक मनी? बच्चे
And if a person is doing government jobs, government know his salary, and according to his salary, he give GST to him. But in private companies, they do not tell their true income, so that they tell their income half. So when government take GST from the income, but the half of income they store and their income is good than the government's. ओके मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम जो गवर्नमेंट सर्विस में बंदा है उसका तो सबको सैलरी पता है, वहां पे जो टैक्स करता है वो इनकम टैक्स कट रहा है। तो टैक्स बहुत तरह के हैं तो चोरी भी बहुत तरह की है। एक तो है जैसे आपने अभी कहा कि इनकम टैक्स की चोरी, कि गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको मालूम है कि इतनी सैलरी है और इतना इसके ऊपर टैक्स का स्लैब है, तो इतना काट के आपको मिलना है। लेकिन जो बिजनेसमैन है या जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो अपनी जो सैलरी है वो सारी की सारी अगर वाइट में ट्रांजैक्शन नहीं करते, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अमाउंट कैश में ले लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं देते, तो वो जो मनी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मनी। मतलब जिस मनी का अकाउंट आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो दैट बिकम्स ब्लैक मनी। ब्लैक मनी। ठीक है जी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप किसी शॉप पे गए, आप मॉल में गए, आपने 2, 4, 5, 10 चीजें 10,000, 20,000, 50,000 का सामान खरीद लिया और आपने उसका बिल नहीं लिया। ठीक है जी। आपने उसका बिल नहीं लिया तो क्या आपने ब्लैक मनी जनरेट करने में हेल्प की? अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बिल लेते हैं? असेंशियली ये कहा कहते हैं शॉपकीपर को कि नहीं जी हमें तो बिल चाहिए ही चाहिए। दोनों तरफ फायदा है बच्चों इसमें। ठीक है जी। बिल नहीं जनरेट करोगे, आपने कभी सुना होगा शॉपकीपर कहता है जी अगर बिल नहीं लोगे तो इतने रुपए में दे दूंगा और बिल लोगे तो इतने रुपए में चीज दूंगा, कभी सुना किसी ने? हाँ, तो जो हम एक नॉर्मल बंदा उसको ये लगता है कि अगर मेरे को बिल नहीं भी लूं, मुझे क्या करना है बिल का, मैं नहीं लूंगा बिल तो मुझे कम चीज कम पैसों में चीज मिल जाएगी। लेकिन वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो जिसने अमाउंट का आपने वहां से सामान लिया वो किसी खाते में ही नहीं आया, वो बुक्स में नहीं आया कि उसने ये चीज सेल परचेज की, तो वो ये जो जीएसटी या और जो भी कुछ टैक्सेस हैं वो सब कुछ देने से बच गया। तुम्हें उसने 50 रुपए का प्रॉफिट दिखा के तुम्हारे से काम करवा लिया और खुद पता नहीं उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया। समझ रहे हो बात कैसे चलता है सिस्टम? सो हमें एक अच्छे सिटीजन होने के नाते यह हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी चीज परचेज कर रहे हैं तो हमें उसका बिल जरूर लेना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम तो टैक्स देते जाएं और दूसरा बंदा मजे करता रहे हमारे टैक्स के ऊपर, है ना? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, सबको टैक्स देना चाहिए। इंडिया में तो वैसे बड़ी डिस्पैरिटी है, सिर्फ 2 या 3% जो है लोग वही टैक्स दे रहे हैं, बाकी तो टैक्स ही नहीं देते, बाकी तो जो दूसरों का टैक्स है उस पर ही मजे करी चले जाते हैं, है ना? सो वी हैव टू बी अवेयर इनाफ कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ चीजें अपने इंटरेस्ट की होती हैं, कुछ नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, तो हमें दोनों में थोड़ा सा एक बैलेंस बनाना चाहिए कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। अकेला मोदी तो बेचारा सारा कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हम अकेले मोदी जी के बस का तो नहीं है, कुछ ना कुछ हमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इज इट ओके और नॉट? अब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, कितने लोग हैं जो उसको ध्यान में रख के सफाई का ध्यान रखते हैं, स्कूल में, घर में, सड़क पे चलते हुए, कितने लोग हैं जो ध्यान रखते हैं? ऑनेस्टली बताना, हाथ खड़ा करना जो ध्यान रखते हैं। कि बस गए मार्केट में चिप्स का पैकेट खरीदा, खाया और चल नीचे, कितने लोग ऐसे करते हैं? मतलब ऑनेस्टली बताना मुझे। हाँ तो ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? अब पता भी है कि गंदी बात है फिर भी करते हो तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये ध्यान रखना है हमने कि कुछ हमारी भी ड्यूटीज हैं, वो हमें भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। हम हर चीज के लिए दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि उनकी वजह से गंदा होता है या इसकी वजह से गंदा होता है, गंद तो हम ही डाल रहे हैं ना। अब घर में अगर आप ऐसे चिप्स का पैकेट उठा के फेंक दो तो फिर मम्मी से क्या होता है, डांट पड़ती कि नहीं?
यस मम्मी तो सारे घर का झाड़ू लगवा लेती होगी कि एक जगह गिरा सारे घर का झाड़ू लगा दे भाई, तेरी पनिशमेंट। अब गवर्नमेंट कोई आपको पनिश नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं ना हमें लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलिए कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं अपने असाइनमेंट पे। सेकेंड क्वेश्चन अभी छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन देखो जी। थर्ड क्वेश्चन है, अ टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ शोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750। इफ जीएसटी रेट इज 18%, यू हैव टू टेल द अमाउंट ऑफ बिल। अब यहां पर कोई कमोडिटी नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है, एक सर्विस हम ले रहे हैं, ठीक है जी, टेलीकॉम सर्विस हम ले रहे हैं, कोई टेलीफोन का बिल है या आपके इंटरनेट का बिल है या कुछ भी है, उसमें जो सर्विसेज की वैल्यू है वो ₹750 है, और इस सर्विस पर जो टेलीकॉम सर्विस है इस पर जो जीएसटी लग रहा है वो 18% के हिसाब से लग रहा है। तो आपने बताना कि टोटल बिल का अमाउंट क्या हो जाएगा। सिर्फ हाथ खड़ा करना है जिसका निकल जाएगा, सबने बोलना नहीं है, रेज योर हैंड एंड देन वी विल डिस्कस। चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर दो कि बिल का अमाउंट क्या बनने वाला है। बस बस बस, बातें नहीं करने को कहा मैंने। हाँ जी, किस किस का कैलकुलेट हो गया? नॉट येट, इसलिए मैम यस मैंने क्या कहा था, आंसर बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। हाँ जी हाँ जी, टीचर्स प्लीज आप मुझे हेल्प कर दीजिए, जिसका हो गया है आस्क देम टू रेज योर हैंड्स, हो गया जिस जिसका हो गया रेज योर हैंड्स। शाबाश शाबाश, जरा देखें किस किस का हो गया है। ओके, दो स्टूडेंट्स का 8A में मिडिल रो से फर्स्ट बेंच पे हाथ खड़े हुए हैं। बाकी जल्दी जल्दी करो बच्चों, इसमें तो कुछ दिक्कत वाला काम है ही नहीं है, तो बिल्कुल आसान सा काम था। मेरे पास सर्विस की वैल्यू, हाँ जी आंसर क्या आया, ये जो लिखे हुए हैं, हाँ जी प्लीज कम नियर द माइक, आप तो माइक के पास ही बैठे हो, बोलो जी। 8A फर्स्ट बेंच, 885 इज द आंसर। अभी मेरे पास कोई 880 भी आंसर आया था कहीं से। मैं वो बाय मिस्टेक बोल दिया था। ओके, बाय मिस्टेक बोल दिया था, आंसर 885 ही है। चलिए जी, 8B में ये जो माइक के सामने दो बच्चे बैठे हैं, दोनों में से कोई भी एक खड़े हो जाओ फटाफट से। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, गेट अप एनी वन ऑफ द टू। मैम प्लीज दोनों में से किसी को भी खड़ा कर दीजिए 8B में, माइक के पास जो बैठे हैं, अपने आप ही हो जाओ, मैडम ने क्या खड़े करना है तुम्हें, खड़े हो जाओ फटाफट से कोई सा भी। मैम वी आर डूइंग हाँ डूइंग, मैं तो सिर्फ तुम्हें हेल्प ही कर रही हूँ, इन डूइंग मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि कैसे कर रहे हो, मुझे सिर्फ स्टेप्स बताने हैं आपने। हाँ जी, अपने आप ही कोई भी माइक के पास आ जाओ, जो कर रहा है सिर्फ मेरे से शेयर ही करना है आपने कि कैसे कर रहे हो, दिस इज द ओनली थिंग वी वांट टू डू। कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ हमने शेयर करना है कि कैसे कर रहे हैं हम इसको। हाँ जी, माइक के सामने 8B में जो दो बच्चे बैठे हैं, दोनों में से कोई सा भी खड़े हो जाओ जल्दी से फटाफट, एक दूसरे को धक्के ना मारो, कोई भी हो जो। हाँ चल शाबाश, नाम बताओ बेटे पहले। रवजोत, प्रभजोत चल बच्चे मुझे बता कैसे कर रहा है क्वेश्चन, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बताओ मुझे। मैम, पहले हमने किया 18% ऑफ 750, फिर उसे भी सॉल्व देखो मेरे पास जो सर्विस है उस सर्विस की वैल्यू कितनी है, उस सर्विस की वैल्यू है 850 रुपीज, ठीक है जी, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 850 रुपीज। अब मेरे पास जो इस पे जीएसटी लग रहा है
वो लग रहा है 18%, तो मैंने क्या कर दिया, 18% ऑफ 850, करो जरा कैलकुलेट कितना बनेगा, फिफ्टीन। इट्स 7, 7, 15। इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, मैम 5 सर्विस इज इक्वल टू ₹750। 750 है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, दिस इज 750, सॉरी बच्चों, ये है 750। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटू 750, ये तो इससे कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15। 50, सो 135 रुपीज का मेरा बिल हो गया, आई मीन जीएसटी हो गया। तो बिल अमाउंट कैसे आता है, बिल अमाउंट आता है सर्विस का चार्ज प्लस जीएसटी, तो 750 प्लस 135, तो कितना आ जाएगा 885। सो ये है मेरा बिल अमाउंट विच आई नीड टू पे। चलिए जी अगला क्वेश्चन, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कौन सबसे पहले करके हाथ खड़ा करता है, मैंने सिर्फ यही देखना है, मैं इसीलिए खड़ी हूं यहां पर। हु डज द क्वेश्चन, फोर्थ कौन सा फोटो? क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा, ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 डेज एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर डे। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइन हिम, होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग ₹1,000 पर डे फॉर द बेड। हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। सोच समझ के क्वेश्चन करना, एक बंदा गया गोवा में, एक होटल में रह रहा है, वहां उसे एक फ्रेंड आ जाता है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सेपरेट रूम, वो क्या कहते हैं कि इसी रूम में एक बेड लगा दो, उस बेड के लिए होटल वाले एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ₹1,000 एक दिन का। रूम का कॉस्ट था ₹5,000 पर डे और एक्स्ट्रा बेड का कॉस्ट है ₹1,000 पर डे। अब होटल स्टे एक सर्विस है, तो सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा, और वो उसकी कितनी स्लैब है 28%। अब आपसे पूछा गया कि कितना जीएसटी पे किया गया है, मैम फॉर अ सिंगल डे और 2 डेज 2 डेज, जितने दिन का स्टे है टोटल बताना है आपने मुझे कि टोटल जीएसटी कितना दिया गया, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो जिसका निकला। जिसका हो गया फटाफट हाथ खड़ा करो, जल्दी से हाथ नहीं खड़े कर रहे हो, तुम लोग क्वेश्चन करके बैठ जा रहे हो, हाथ नहीं खड़े कर रहे, मुझे कैसे पता चलेगा कि हो गया। चलिए चलिए शाबाश, रेज योर हैंड्स एनीबडी फ्रॉम 8A और 8B। जब हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे टोटल बिल का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितने का बिल बना, 12,000 का बिल बना। देखो एक दिन का पर डे जो चार्ज था वो था ₹5,000 और दे स्टेड देयर फॉर 2 डेज, सो 2 डेज के लिए टोटल कितना पे करना पड़ा उनको, 10,000। अब उनको एक एक्स्ट्रा बेड भी लेना पड़ा, बेड का पर डे चार्ज कितना था, तो बेड के जो 2 दिन के चार्जेस हैं, 2 डेज बेड चार्जेस हो गए 2,000। इसका मतलब जो टोटल बिल अमाउंट बना, हाँ 12, आई डोंट से बिल अमाउंट, ये जो है ये आपके पास जो आपने सर्विसेज अवेल की वो है सर्विस अमाउंट, जितने का सर्विस आपने ली है वो आपका हो गया है 12,000। अब आपको पूछा क्या गया कि उसको जीएसटी कितना देना पड़ेगा, जीएसटी की स्लैब कितनी है यहाँ पर, अब हमारे पास तो मुझे देना पड़ेगा 28%। इतनी देर क्यों लगी कैलकुलेट करने को, ये तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है,
आंसर इज 33,360। 3,360 रुपीज, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मुझे सिंपल 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 8 24 और 9 और 1 0 आ गया, तो मेरा आंसर हो गया 3,360 रुपीज। सो टोटल अमाउंट अगेन वी कैन सी, अगर मेरे पास 12,000 का बिल है तो उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 3,400 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। इतने में तो मैं कितनी और सर्विस ले लेती है ना, पर क्या करें, जीएसटी है तो देना तो पड़ेगा। अब हमें कहां, तो 12,000 में काम चल रहा था, कहां मुझे इतना बड़ा सारा टैक्स इसके साथ देना पड़ गया। ठीक है जी, अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, जो बीच में छोड़ रहे हैं उन पे आएंगे, सिमिलर से क्वेश्चन है तो अभी एक बार के लिए छोड़ के आगे चल रहे हैं, फिर इन द एंड विल कम टू दीज क्वेश्चंस। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। सुनील बॉट अ टीवी फॉर ₹22,000 इंक्लूडिंग अ जीएसटी ऑफ 10%। अब इसका मतलब ये 22,000 जो है ये सेलिंग प्राइस है टीवी का या बिल प्राइस, बिल का अमाउंट है। मेरे को यहां दिया है कि ये जो 22,000 का मैंने टीवी लिया दैट इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 10%। इंक्लूड का मतलब समझ में आता है? हाँ, इसमें 10% जीएसटी ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मेरे पास 22,000 है ये क्या है, इज इट दी बिल अमाउंट और दिस इज दी सेलिंग प्राइस। दिस इज दी बिल अमाउंट, दिस इज व्हाट आई हैव टोटली पेड, जिसमें जीएसटी डाल दिया मैंने। ठीक है जी, अब मेरे से पूछा क्या गया है, द प्राइस ऑफ द टीवी बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया, अभी तक मुझे क्या दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, रेट ऑफ जीएसटी दे रखा था, तो हम उतने परसेंट करके जीएसटी कैलकुलेट कर लेते थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, अब मैंने टोटल बिल का अमाउंट बता दिया और ये भी बता दिया कि उसमें 10% जीएसटी इंक्लूडेड है। अब आपको बिल का, अब आपको बिफोर जीएसटी मतलब आई कैन से इन इन टर्म्स की मुझे सेलिंग प्राइस बताना है विदाउट द टैक्सेस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ है? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, रेज योर हैंड, एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये 22,000 रुपए टोटल अमाउंट टीवी घर पे लाने के लिए मैंने पे किया, जिसमें उसका सेलिंग प्राइस तो था ही था, साथ में मेरा टैक्स भी उसके साथ मैंने जोड़ रखा था। अब मेरे को ये पूछा गया कि अगर टैक्स का अमाउंट निकाल दूं तो मेरे पास उस टीवी की कॉस्ट क्या थी, या मुझे किस प्राइस में वो सेलिंग प्राइस उसका क्या बनता था। अब क्या करोगे ये बताओ। शाबाश, जल्दी से बताओ क्या करोगे। बच्चों क्या मैं कह सकती हूँ ये 22,000 जो है ये है सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, इज इट ओके? यस और मेरे से पूछा क्या जा रहा है, सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा नहीं है। अब अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस कह दूं है रुपीज एक्स, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने लेट कर लिया कितना एक्स, और जीएसटी कितना लग रहा परसेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जीएसटी कितना लगा 10% ऑफ। अभी अभी हमने ये सीखा है कि जीएसटी सेलिंग प्राइस पे लगता है, तो मुझे जो जीएसटी का अमाउंट देना पड़ रहा है वो है 10% ऑफ एक्स।
इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 22,000 इज एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, क्या मैं ऐसे कर दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? पक्का नो कोई दिक्कत तो नहीं? नो अब क्या इसको सॉल्व भी करना आता है तुम्हें, इस इक्वेशन को? कैन यू सॉल्व इट? मेरा पर्पस, मेरा टास्क, मेरा टारगेट क्या है? मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, मुझे इस इक्वेशन को, ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो 22,000 इज इक्वल टू, बताइए जी एलसीएम कितना आएगा? 100। हंड्रेड यहाँ 1, यहाँ 100, तो ये क्या बन गया? 100x। ये 100 और यहाँ 10x पड़ा है, तो ये 10x ही हो जाएगा मेरे पास। किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछो पहले मुझे। मेरे पास टर्म्स थी एक्स प्लस 10/100x, एलसीएम लिया तो 100 इज दी एलसीएम, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 पड़ा है, इसको 100 बनाना है, ऊपर भी 100 से नीचे 100 से मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स 100x। ये ऑलरेडी 100 है तो 10x ही मेरे पास बन जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, 22,000 इज इक्वल टू 110x अपॉन 100। इज इट ओके? मैम यस यहां से एक्स निकालने के मैं एक तरीका तो अभी कर रही हूं जो आप लोग फॉलो करते ही हो। ये हुआ 22,000, ये जो 100 डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में चला गया दूसरी तरफ जाके, और ये आ गया डिनोमिनेटर, ये इससे कैंसल, 11 2 22। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों? 20,000। इसका मतलब इफ आई वुडंट हैव एडेड दी जीएसटी तो मेरे को वो कितने में पड़ रहा था? वो मुझे पड़ रहा था 20,000 में। पहले ये बताओ, ये सबको बात समझ में आई है? सीधा सीधा क्वेश्चन तो आसान है करना कि ये हमें एसपी दे दिया, ये जीएसटी का रेट दे दिया, परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, बिल अमाउंट निकालते, लेकिन जब उल्टा चलना होता है तो थोड़ा सा सोचने वाला काम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो 22,000 है ये मेरा बिल अमाउंट, बिल अमाउंट कहाँ से मिलता है मुझे? सेलिंग प्राइस और जीएसटी दोनों को ऐड करके। सेलिंग प्राइस मैंने एक्स लेट कर लिया, जीएसटी परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, तो दिस इज एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। कैलकुलेशन करी, एक्स की वैल्यू 20,000 मेरे पास आ गई। अब एक बात बताना बच्चों, एक ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, बताना क्या ठीक कर रही हूँ कि गलत है। ये मेरे पास इक्वेशन पड़ी थी, एक तरीका तो मैंने क्या निकाला कि मैंने एक्स निकालना है तो एक्स वेरिएबल को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला गया, जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, ये तो काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, मैं इसको इससे काट दूं, इसको इससे काट दूं, क्या ऐसे कैलकुलेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो और ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाता है, लेकिन जब आप इस तरीके से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल करोगे, आपस में ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकते। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, मेथड तुम चाहे यही लगाओ, आई एम नॉट सेइंग गो फॉर दिस, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कहीं पर ये कैलकुलेशन कर रखी हो और आप ये ना कह दो कि कैलकुलेशन गलत। ठीक है जी, तो अगर मैं इक्वेशन की दो साइड पर हूं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसल आउट किया जा सकता है। इज इट ओके? यस चलो जी, फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 और मुझे बताओ क्या करोगे। अ बॉय बॉट अ जीन्स पैंट फॉर ₹1635 इंक्लूडिंग जीएसटी, इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जीन्स इज ₹1500, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। अब आप लोग मुझे सोच के बताएंगे, ये जो ₹1635 और एक मुझे दे रखा है ₹1500, ये क्या क्या चीजें दे रखी हैं? पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन को, समझो और
और फिर मुझे बताओगे कि ये क्या क्या चीजें मुझे दे रखी हैं। एमपी, एसपी, सीपी, वट एवर, क्या क्या दिया है ये बता दो, मुझे नहीं पता क्या दिया है, ये आप लोग मुझे अभी गाइड करेंगे। 1635 is SP ओरिजिनल प्राइस एंड मतलब अब आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और क्या इस सेलिंग प्राइस में जब जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट यू हैव पेड, तो हमारे लिए एक डिस्टिंक्शन अगर हम कर लें, देखो बच्चों जो आप ये पे कर रहे हो ऑब्वियसली ये आपके लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन एक चीज मेरे ध्यान रखना कि जब हमारे पास जो अमाउंट मैं पे कर रही हूँ वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं इसको बिल अमाउंट की तरह ट्रीट करूं, नहीं तो क्या होगा अगर आप इसको सेलिंग प्राइस कह दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब आप परसेंटेज निकालने लगोगे, जीएसटी का परसेंट निकालने लगोगे, तो फिर आप इसको बेस मान के चल पड़ोगे, उससे काम खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने जीन्स पैंट खरीदने के लिए इतने पैसे दिए, तो इन अ वे आपको इतने पैसे एज वी कैन से कि सेलिंग प्राइस है कि आपको इतने पे करने पड़े, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूडेड था, सो इट इज बेटर आई रेफर टू इट एज बिल अमाउंट एंड आई टेक 1500 एज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में जब मैंने जीएसटी ऐड कर दिया तो वो 1635 रुपए बना। क्या ये बात मेरी याद रखोगे? मैम अब आपके लिए काम हो गया आसान। अब आप यहां से क्या जीएसटी का अमाउंट निकाल सकते हो? आपको पता है कि जो बिल का अमाउंट होता है वो कैसे आता है? वो आता है सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। तो जीएसटी कैसे निकलेगा? बिल अमाउंट में से कर देते हैं जी, कितना बन जाएगा मेरे पास जीएसटी, कितना हुआ? लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा गया कि मैंने जीएसटी कितना पे किया, मेरे से पूछा गया कि कितने परसेंट जीएसटी है। अब क्या करोगे? जो जीएसटी होता है वो किसका परसेंटेज? फिर से उसी क्वेश्चन पे मैं आ रही हूं, किसका परसेंटेज? एसपी का एसपी का परसेंटेज। तो अब मुझे क्या बताना है कि 135 1500 का कितने परसेंट है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ आई वॉन्ट टू कैलक्युलेट परसेंटेज जीएसटी, तो मैं क्या कहूंगी? आई विल से जीएसटी अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू, हंड्रेड तो जीएसटी मैंने कितना पे किया? 135 रुपीज। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 1500 इंटू 100, तो कितने परसेंट जीएसटी हो गया मेरा? 9%। तो ये कुछ चीजें जो आपको माइंड में रखनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। अगर आपको प्राइस दिया है इंक्लूडिंग जीएसटी, ऑलवेज रेफर टू दैट एज बिल अमाउंट, ठीक है जी? अब बिल अमाउंट में से जीएसटी को मैं अगर माइनस कर दूं तो वो है मेरा सेलिंग, प्राइस और मेरा जीएसटी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सेलिंग। तो प्राइस अगर मेरे से परसेंटेज पूछ लिया जाए किस रेट पे जीएसटी लग रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? अमाउंट इन रुपीज ऑफ जीएसटी किसके बेस पे कैलकुलेशन होती है हमेशा? जीएसटी की सेलिंग पे। सो जीएसटी अपॉन एसपी इनटू 100 आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड। चलो जी फिर अब जरा क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालना पड़ेगा, सबके पास अच्छी खासी बुद्धि है, तो जरा दो बार क्वेश्चन को पढ़ो, और क्या समझ में आया पहले इतना ही बताना है मुझे, तो समझ में आ जाए फटाफट से खड़े होके मुझे क्वेश्चन का मतलब समझा देना पहले। कैलकुलेशन तो कर लेंगे, पहले मतलब समझा देना।
शाबाश, जल्दी से। सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है, कॉन्सेप्ट पुराना ही है। अच्छा मैम थोड़ा, इसमें हाँ बोलो। बताया है कि अनु जो थी उसने टीवी खरीदना था जिसकी मैम मार्केट प्राइस था 46,000 और उस पर 15% का जीएसटी भी था, बट उसके पास मैम ओनली 46,000 रुपीज होते, तो वो शॉपकीपर को कहती है कि प्लीज इसके थोड़े से पैसे कम कर दो कि मैं 46,000 ही पे करूं और उस पर जीएसटी भी लगे। तो मैम सही, उसने बताया कि शॉपकीपर कितने परसेंट का रिड्यूस करेगी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि वो शॉपकीपर कह रहा था कि 46,000 रुपए का टीवी है और उसके ऊपर 15% एडिशनल जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे पास है ही 46,000 रुपए। मैंने शॉपकीपर को कहा कि भैया 46,000 ही है और जीएसटी भी देना ही है मैंने। अब जीएसटी का रेट तो वो अपनी मर्जी से रिड्यूस कर नहीं सकता, अगर वो 18% की स्लैब में या 15% की स्लैब में है तो उतना ही जीएसटी काटना पड़ेगा। वो क्या कर सकता है, वो उसकी वैल्यू को कम कर सकता है। शॉपकीपर के हाथ में तो इतना ही है कि जो वो 46,000 का कह रहा था उसको कम कर दे, ताकि उस पे जो जीएसटी की कैलकुलेशन हो वो भी कम हो जाए और वो टोटल मिलजुल करके आपके पास 46,000 रुपए ही बन जाए। तो अब आपसे पूछा गया कि शॉपकीपर को, अगर आप शॉपकीपर हो और आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको प्राइस 46,000 की बजाय कितना देना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए, आप भी सेटिस्फाई हो जाओ और सारा काम हो जाए। आई होप क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया। अब ध्यान से सोचना, फिर से मेरा क्वेश्चन, ये जो 46,000 रुपए है, मैं अब इसको क्या बनाना चाहती हूँ? डू आई वॉन्ट टू मेक इट दी सेलिंग प्राइस और डू आई वॉन्ट टू मेक इट द बिलिंग बिल अमाउंट? मैं इसको बिल अमाउंट बनाना चाहती हूँ। अब इस बिल अमाउंट के लिए एसपी क्या होना चाहिए जबकि जीएसटी लग रहा है कितने परसेंट? 15%। बस मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब मुझे क्वेश्चन समझ भी आ गया और मैथमेटिकली मैंने अपना क्वेश्चन फ्रेम भी कर लिया कि मैं चाहती हूं कि टोटल बिल जो वो पे करे वो कितना पे करे, 46,000 का। इसका मतलब इस बिल अमाउंट में एक तो सेलिंग प्राइस होगा और उसके साथ साथ उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन डिट्टो हम एक करके हटे हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पीछे अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, कौन सा क्वेश्चन था भला? हाँ कोई बता सकता है अभी कौन सा क्वेश्चन हमने किया था पीछे से? जो डिट्टो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, ऑब्वियसली वैल्यूज तो डिफरेंट होंगी, कॉन्सेप्ट सेम। हेलो, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? हेलो, कौन सा क्वेश्चन सिमिलर किया था हमने अभी? सिक्स्थ क्वेश्चन किया था। ना सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने कहा था कि 22,000 रुपए में 10% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो बिफोर जीएसटी जो प्राइस है वो निकालो। देख तो वही क्वेश्चन बन गया अब ये मेरा, यस और नो? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? दोबारा देखो, हम क्या चाह रहे हैं कि वो जो कॉस्ट, जो उसका प्राइस है टीवी का और उसमें जीएसटी दोनों मिला करके वो कितना पे करे? 46,000। ठीक है जी। और हम ये भी जानते हैं कि जो बिल का अमाउंट बनता है वो कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी को ऐड करके। ठीक है जी, दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास बिल का अमाउंट आता है। अब सेलिंग प्राइस तो मुझे निकालना है, मैंने इसको क्या ले लिया, फिर से एक्स ले लिया। बिल का अमाउंट कितना है, 46,000, सेलिंग प्राइस एक्स और जीएसटी है 15%। किसका 15%? 46,000 आ जीएसटी किसका परसेंट होता है और एसपी का।
क्या है? 40,000 की एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 15% ऑफ एक्स। अब जरा जल्दी से, पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की थी, एक्स निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी मेरे को देखना है कौन जल्दी से कैलकुलेशन करता है और ठीक भी करता है। सिर्फ ये नहीं जल्दी कर दो और गलतियां करते जाओ, वो नहीं काम होना चाहिए। यहां से आया हमारे पास 46,000 इज इक्वल टू 100x प्लस 15x डिवाइड बाय 100। सो 46,000 इज इक्वल टू 115 अपॉन 100x। सो एक्स कैसे आएगा? 46,000 इंटू 100 अपॉन 115, दिस इज माई एक्स। इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 5 2 जा एंड 5 3 जा 23 2 जा 46। तो एक्स कितना आ गया मेरे पास? 40,000। इसका मतलब मेरे पास जो टीवी का मार्क्ड प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 40,000 था कितना मार्क्ड प्राइस? 46,000। अब आप कहोगे कि आंसर में तो 40,000 कहीं है ही नहीं। अब जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि उसने पूछा क्या था। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। हाँ, मेरे से पूछा गया कि उसको कितना अमाउंट कम करना पड़ेगा, तो कितना अमाउंट कम करना पड़ेगा उसको? पहले जो मेरा एमपी था वो था 46,000 रुपए, लेकिन मुझे कहाँ लाना है उसको? 40,000 पर। सो मुझे कितनी रिडक्शन कितनी करनी पड़ेगी? 46,000 माइनस 40,000, सो आई हैव टू रिड्यूस इट बाय 6,000 रुपीज। अब मुझे बताओ बच्चों, ये समझ में आई सारी चीजें कि नहीं? तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर, जीएसटी के अंदर याद रखने वाली है, दैट इज बिल अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल अमाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? जीएसटी एंड सेलिंग प्राइस। तो जितने पैसे आप दे के आए हो इंक्लूडिंग जीएसटी, हम उसको एसपी नहीं माने। बस सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात हटा दो, क्योंकि अगर उसको एसपी मान के काम करना शुरू करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है जी। ऑल्दो आपने वो पे किया है, लेकिन वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो उसको हम एक नया नाम से रेफर कर लेते हैं ताकि हम गलतियां ना करें। उसको हमने क्या रेफर कर दिया? उसको हमने क्या दिया? बिल अमाउंट। फिर हमने कहा कि बिल अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एसपी प्लस जीएसटी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो जीएसटी होती है वो होता है परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट जी, बस ये नहीं भूलना हमने। दिस इज दी परसेंटेज ऑफ एसपी। और बेसिक अपने कॉन्सेप्ट लगाओ और वहां से क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करोगे आप। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो दो तीन क्वेश्चन इसमें रह गए हैं वो आप लोग ट्राई करोगे, नहीं होंगे तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ओके ओके बच्चों। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। बाय।